अमित कुमार राणा का सोशल मीडिया अकाउंट मैंने खंगाला तो उसकी बहुत अच्छी छवि नजर आई। अनीता हमने दो बार लगातार विधायक बनाया, कोई क्षेत्रीय विकास नहीं हुआ, पता नहीं क्या पैसा कहाँ जाता है, गवर्नमेंट बहुत फंड देती है। नवी आधार पर हम अमित कुमार राणा जी को अब की बार वोट करना चाहेंगे। अमित कुमार राणा को क्यों पसंद है? वो युवा है, नया है। अमित कुमार राणा। सचिन पायलट सीएम चेहरा रहेगा तो सचिन को वोट करेंगे। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी न्यूज देख रहे हैं अजय कोहली के साथ लगातार डीटीवी का कैमरा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जनता का जो मन है वो आपको दिखा रहा है कि अब की बार जो नगर विधानसभा का जो रुख है, यानी कि जो जनता का उनका रुख है, वो किसकी ओर रहेगा, किस पार्टी, किस नेता को वो चुनना चाहेंगे, नेताओं में से किस नेता को वो पर्टिकुलर जानते हैं, किसी पर्टिकुलर चेहरे के साथ अगर वो जाना चाहते हैं या किसी पार्टी के साथ वो जाना चाहते हैं, सारी बातें उनसे करेंगे। आम जनता मेरे साथ जुड़ी हुई है, अभी यहाँ लोग अपने टाइम पास के लिए ताश पत्तियां खेल रहे थे तो मन चाहा कि उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई मेरे साथ उनसे बात करते हैं। जी भाई, तभी ठीक है और सब ठीक है? हाँ भैया, सब ठीक है। मेरा नाम पुनीत लवानिया, मैं असेंबली ग्राम पंचायत का एक सदस्य हूँ। इस समय नगर विधानसभा की चुनाव की जो कि धूल उड़ रही है, इस समय नए नए कैंडिडेट्स हमारे सामने आ रहे हैं, देखने को मिल रहा है कौन अब की बारबाजी मारेगा। बीजेपी से काफी सारे के चेहरे लगातार अपने पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन हमें अमित कुमार राणा जी का व्यवहार प्रैक्टिकल रूप से उचित लगा। अमित कुमार राणा को क्यों पसंद करते हैं? और भी यहाँ काफी चेहरे हैं, पहले भी पुराने नए चेहरे हैं, नए भी और भी आ रहे हैं, अमित कुमार राणा में ऐसा क्या? अमित कुमार राणा का सोशल मीडिया अकाउंट मैंने खंगाला तो उसकी बहुत अच्छी छवि नजर आई। और भी नेता हैं, अक्सर नेता व्यक्तिगत छवि और सामाजिक छवि के आधार पर चुनाव जीतता है। कोई भी चेहरा हो, चाहे वो अनीता को ले लो, वाजिब अली साहब को ले लो, प्रेजेंट विधायक हैं वो, बहुत अच्छी आगे छवि होती है, वो ही कैंडिडेट निकल के आता है। अनीता हमने दो बार लगातार विधायक बनाया, कोई क्षेत्रीय विकास नहीं हुआ, पता नहीं क्या पैसा कहाँ जाता है, गवर्नमेंट बहुत फंड देती है। नगर विधानसभा, मैं आपको बता दूं, नगर विधानसभा भरतपुर का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। लगभग इसमें कम से कम 55-56 गांव तो ऐसे हैं जो बड़ी संख्या लेकर बैठे हुए हैं। 5,000 से 7,000 की वोटिंग होती है हर बूथ पर। काफी युवा सदस्य है और लोकल टीमें भी, ये नगर विधानसभा भरतपुर तक अपनी पैठ रखता है। अमित कुमार राणा जी का मैंने सोशल मीडिया अकाउंट खंगाला है, व्यक्तिगत छवि देखी है उनकी, सामाजिक छवि होती है, उसके आधार पर कैंडिडेट चुनाव जीतता है और उसी आधार पर हम अमित कुमार राणा जी को अब की बार वोट करना चाहेंगे। ये हमारा सौभाग्य है, आपने इस सैमला और सैमली पंचायत के लिए चुना हमें रुझान के लिए। मैं आपको बता दूं, लगभग 8,000 से 9,000 के आसपास यहाँ वोटिंग है। अक्सर हम बीजेपी को मतदान करते हुए आए हैं। अगर अमित कुमार राणा जी को, अपन नेगेटिव सोच के भी चले, अगर नहीं मिलता है टिकट भी तो बीजेपी को हम अवश्य मतदान करेंगे। मतलब अगर मान लीजिए बीजेपी के टिकट अमित कुमार राणा को नहीं मिलता है तो आप बीजेपी के साथ ही रहेंगे? जी बिल्कुल, बीजेपी के साथ रहेंगे। कांग्रेस के साथ क्यों नहीं? कांग्रेस के अभी चाहे राहत की बात हो, चाहे राहत का कैंप लगा हो, चाहे फिर यूं कहें कि आमजन के लिए जो राहत मिली है, चाहे सिलेंडर की बात हो, बिजली की बात हो, ऐसी सुविधाएं जनता के लिए उन्होंने दी है। इस सरकार में बहुत कुछ जनता को मिला है, तो क्या आप उनके ऊपर कहेंगे और क्या कांग्रेस का इस वजह से, किस वजह से आप उनका साथ नहीं देना चाहते? आखिरकार राजस्थान की प्रकृति रही है और हमारे नगर विधानसभा की प्रकृति रही है, परिवर्तन ही सरकार है। नगर विधानसभा में अक्सर जो कैंडिडेट एक बार खड़ा हो जाता है दोबारा नहीं जीत पाता है, उसी तरह राजस्थान में जो सरकार रिपीट हो गई वो रिपीट दोबारा नहीं मार पाती है। कांग्रेस की योजनाएं बहुत अच्छी है, मैं मानता हूँ। अनीता भी लगातार दो बार रही है। वो 1957 की क्रांति थी, 1957 बोले तो वो दौर गुजर गया है। अभी समय युवा संभाल रहे हैं इस समाज को, लगभग 46% तो यूथ अब जुड़ा है। मैंने अभी अभी अकाउंट खोले हैं, जो भी आएंगे, जो भी यूथ सदस्य जुड़े हुए थे उनके देखे हैं तो 46% अभी यूथ जुड़ी है। और यूथ इस समय मोदी के साथ है, मोदी जी के साथ है, और बीजेपी में इस समय परिवर्तन की लहर चली हुई है। बीजेपी अवश्य सरकार बनाएगी, क्योंकि राजस्थान की परिवर्तन की रैली अवश्य पार जाएगी बीजेपी की। चलिए, और भी लोग मेरे साथ हैं। किस पार्टी, किस नेता को पसंद करते हैं? अमित कुमार राणा को क्यों पसंद है? वो युवा है, नया है। और भी चेहरे हैं यहाँ से, हंसिका भी है, अनीता है, जो है चेहरे, अब वो तो फिर बाद, जवाहर सिंह बेडम भी है, वो तो बाद में बीजेपी का जिसको टिकट मिलेगा उसके संग है। प्रेजेंट में तो अमित कुमार राणा। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं। उससे ताश खेल लेते, काफी लोग थे यहाँ से इधर उधर हो गए हैं। क्या नाम है जी? लाम विष्णु। किस पार्टी, किस नेता को पसंद करते हैं? बीजेपी के दिंगे साहब। बीजेपी में कोई एक चेहरा आप मुझे बताइए। अब कोई युवा चेहरा हो दिन, युवा मतलब पहले कोई चेहरे को अगर मिलता है, जैसे कि मान लीजिए नैम सिंह फौजदार है, जवाहर सिंह बेडम है, अनीता है, हंसिका है, और भी बहुत लंबी लिस्ट है।
अब तो जो युवा चेहरा है बढ़िया, जो अपने प्रभावशाली व्यक्ति है जैसे अपने व्यवहार से, तो उसको उन्हीं को वोट करेंगे जी। किस पार्टी किस नेता को पसंद? बीजेपी भाई साहब। बीजेपी, बीजेपी में कोई एक चेहरा आप मुझे बताएंगे? चेहरा जिसको टिकट मिल जाएगा वही आप उसी के साथ जाना। चलिए, सभी का मन अभी यहाँ जब मैं स्टैंड पे हूँ तो इन लोगों का मन है कि हम बीजेपी को समर्थन करेंगे। भाई किस पार्टी किस नेता को पसंद है? ये अमित कुमार राणा। अमित कुमार राणा। फिर कांग्रेस के साथ क्यों नहीं? कांग्रेस ने राहत बचाव केंद्र हो, चाहे कांग्रेस की केंद्र सिलेंडर से लेकर राज बिजली के बिल तक किसान के लिए। कांग्रेस से हमको कोई दिक्कत ना आया ना, पर जो हमारे विधायक साहब हैं वो आज तक हमारे यहाँ क्षेत्र में नहीं आए। आज बिजली का बिल नहीं आ रहा है, विधायक नहीं आए तो क्या हुआ? बिजली के बिल में माइनस आ रहा है ना। कांग्रेस ने काम बढ़िया करे, ऐसी कोई बात ना है, पर ऐसी कोई वो ना है, हो सके जैसे कोई बढ़िया कैंडिडेट आ गए तो हम कांग्रेस में वोट देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या कहना चाह रहे? सचिन पायलट सीएम चेहरा रहेगा तो सचिन को वोट करेंगे। ये लेकिन जातिवाद के आधार पे आप लोग वोट? हाँ, अगर सचिन पायलट सीएम, इस तरह से सोच रखी जाएगी तो कहाँ क्षेत्र और समाज का विकास ना? समाज के संग साहब, क्षेत्र तो पीछे है, जो समाज को अगर टिकट मिलेगा और सचिन सीएम बनेगा तो सचिन के संग वोट करेंगे। चलिए, लगातार हम जनता से जान रहे हैं और जनता का मन जो है वो ले रहे हैं। यहाँ पर एक नौजवान ने कहा कि अगर सचिन को कांग्रेस में आगे किया गया, सीएम पद के लिए दावेदारी अगर उनकी दिखाई गई कांग्रेस की तरफ से, तो हम सचिन के साथ होते हुए नजर आएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि हम अमित कुमार राणा को पसंद करेंगे, कुछ लोगों का ये कहना था कि हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। एक युवक ने हमको बताया कि यहाँ जो है, अब जो युवा यहाँ का है वो एक बदलाव की राजनीति चाहता है, वो चाहता है कि क्षेत्र में बदलाव हो, राजनीति में बदलाव हो, तभी इस क्षेत्र का विकास हो सकता है, ऐसा उसका मानना है। वैसे मैंने उनसे पूछा कि अगर आपकी बार बात की जाए तो कांग्रेस सरकार सत्ता में है, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने काम तो किए हैं लेकिन फिर भी हम बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। तो उनका मन है, उनके विचार है, स्वयं के विचार हैं, अपने मन है। और आपका मन क्या है? आप किसको वोट करना चाहते हैं, किसको समर्थन करना चाहते हैं, तो कमेंट में आप अपना नाम दर्ज कराइए और कमेंट कीजिए कि किसको पसंद करते हैं, आपका चेहरा, आपका नेता।